क्या आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक है? नहीं। फिंगरप्रिंट लॉक होता है, सब में एक ही होता है लॉक, मतलब फिंगर से ही खुलता है, लेकिन उसका तरीका अलग होता है। कुछ फोन में यहाँ पास होते हैं फिंगरप्रिंट, ये वाला पावर बटन। कुछ फोन में यहाँ पे होता है फिंगरप्रिंट, जो होम की नहीं होता है, जैसे सैमसंग में वो वाला। कुछ फोन में पीछे होते हैं फिंगरप्रिंट, ये वाला। और कुछ फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होता है, जिससे हमारा ये वीडियो बन रहा है उस फोन में। तो फिंगरप्रिंट अनेक प्रकार का होता है, लेकिन क्या आप अपने फोन में कितना फिंगर ऐड कर सकते हो एक बार में? एक? नहीं। दो? नहीं। तीन? नहीं। चार? नहीं। पांच? नहीं। पांच फिंगर ना, इससे ज्यादा नहीं ना? नहीं। आ जाओ मेरे पास। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक फोन में पूरे 10 फिंगर। ये क्या बात करता है यार? 10 प्लस, लेकिन एक इंसान के हाथ में 10 फिंगर ही होता है। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। इसीलिए मैं 10 का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एक फोन में 10 से ज्यादा फिंगरप्रिंट लगा सकते हो आप? नहीं मानता। अरे हाँ, मानना होगा आपको, नहीं मानने से काम नहीं चलेगा। और एक बात, आप लोग इतने अच्छे लोग हो, इतने अच्छे हम आपको वीडियो देते हैं, उसके बाद भी आप लोग वीडियो को देख लेते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो। यार सब्सक्राइब करो, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। CREE फ्री। क्या बोला तूने? आज हम आपको बताएंगे एक फोन में 10 प्लस फिंगर लगाना। कैसे लगेगा ये? ऐसे लगेगा। तो सबसे पहले जाएंगे हम अपने सेटिंग पे। ये देखो, सेटिंग पे आने के बाद हम चले जाएंगे फिंगरप्रिंट, फेस एंड पासवर्ड में। यहाँ आ गए, और यहाँ आने के बाद हम जाएंगे फिंगरप्रिंट लॉक। ये देखो फिंगरप्रिंट लॉक है। यहाँ आपका जो पैटर्न है, वो आप पैटर्न यहाँ लिख देना। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ ऐड फिंगर का जो ऑप्शन देगा ना, तो इसमें ऐड फिंगर करोगे एक बार क्लिक। यहाँ देखो, यहाँ उंगली लगाने बोला है, तो आपको 10 उंगली लगाना है यहाँ। तो यहाँ देखना, ये देखो, एक बार इस फिंगर को मैं दिया, एक, दो, और उसके बाद मैं इस फिंगर को दूंगा, एक, दो, फिर मैं ये वाला फिंगर को फिर दूंगा, एक, दो, और यहाँ यहाँ ले रहा है देखो, फिर मैं इस फिंगर को दूंगा, एक, दो, फिर इस वाले फिंगर को दे दूंगा, एक, और फिर इसको एक। यहाँ देखो, यहाँ ले रहा, मैं आगे का वैसे एडिटिंग के समय लगा दूंगा, फिर एक, दो। यहाँ देखो लग गया है, यहाँ बोला है ओके दबाने, यहाँ देखो ओके दब चुका है। अब देखना ना, जैसे कि यहाँ एक फिंगर है, ये देखो एक फिंगर, और ये वाला हाथ मैं हटा दिया हूँ, ये वाला हाथ। यहाँ देखो तीन उंगली यहीं पे है, और यहाँ देखो इस वाले फिंगर से मैं यहाँ टच किया, तो यहाँ देखो ये वाला, देखो चमक रहा है, ये देखो चमका। और यही सेम में मैं ये वाला उंगली लगाऊंगा इसमें, यहाँ देखो, तो ये भी काम किया। और जैसे कि ये हो गया है फोन लॉक, अब फोन लॉक हो गया है, उसके बाद भी ये देखो काम किया। और यहाँ देखो ये वाला, तो ये भी काम किया। बस एक फिंगर लॉक है। इसे हम करेंगे फिर ऐड फिंगरप्रिंट दोबारा। यहाँ फिर बोला है, अब हम देंगे ये वाला फिंगर और ये दोनों फिंगर को अब देंगे। आप चाहो तो तीन भी दे सकते हो एक बार में, जिसे तीनों को दे सकते हो, लेकिन हम ये दोनों को देंगे। तो अब ये देखना, ये और ये। अभी यहाँ दो फिंगर ऐड हुआ है, लेकिन मेरा अभी ये चारों फिंगर से खुलेगा लॉक। ये देखो, ये वाला फिंगर ले गया, देखा, और ये वाला गया, और ये हाथ का गया,
ये हाथ का ये वाला, ये देखो ये देखो, मतलब चार उंगली हुआ है। तो इसी प्रकार आप ये सब उंगली भी देके एक फोन में 10 प्लस फिंगरप्रिंट लगा सकते हो। ये था आज का वीडियो, उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे एक फोन में 10 से ज्यादा फिंगरप्रिंट लगाना। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब याद से करो, मतलब सब सब्सक्राइब नहीं करते ऐसे ही वीडियो देख के चले जाते हो। लाइक करो या ना करो, कमेंट करो या ना करो, सब्सक्राइब एकदम कर दो। मिलते हैं आपसे जल्दी ही न्यू वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।